जी हमारी जो फ्रूट चाट है ये देखें कितनी यमी बनी है और कितनी मजे की बनी है, ये देखें चेक कराते हैं, ये देखें वाह कितनी लुक इसकी खूबसूरत आ रही है। आप देख सकते हैं कि ये कितनी जूसी है, यकीन माने आप घर में इसको बनाएं और बाकी सब चीज़ों को भूल जाएं। आप अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ताला ने हमें इतनी ज़्यादा नेमतें दी हैं और हम उसको किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसको ज़रूर बनाइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे। वेलकम टू लाहौर फूड पॉइंट। आज हम बनाने जा रहे हैं चाट, जो कि बहुत ही मज़े की बनती है और इंतहाई फ़ायदेमंद होती है। चाट बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो है, केले लिए, एक बाउल में हमने भर के केले ले लिए। आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं, इसलिए हमने चाट बनाने को अमरूद लिए, और इधर हमने स्वीट पोटैटो लिए, शकरकंदी जिसको बॉयल करके हमने कटिंग कर लिया है, अंगूर लिए, कीवी ली है, सेब ली है, अनार है, और ये टॉपिंग के लिए जो है हमने किशमिश ली है, और ये मीठी चटनी ली है मैंने, और इधर जामेशी ली है, और साथ ही इधर हमने एक बाउल में थोड़ा सा नमक है और थोड़ी सी जो है ना वो चाट मसाला है, क्योंकि इसमें हम बहुत ज़्यादा स्पाइस नहीं ऐड करेंगे क्योंकि फ्रूट्स होते हैं, इसके बाद स्पाइस अगर हम डालेंगे तो हमें प्यास लगेंगे, पानी फ्रूट्स के बाद नहीं पीना चाहिए। अच्छा तो हमने एक बाउल ले लिया है, अब हम इसी में जो है ना अपने रेडी करेंगे। आप चाहे तो आप खुले बर्तन में बना सकते हैं, लेकिन मैंने वीडियो बनानी है इस वजह से मैं इसको इसमें ही रेडी करूँगी। सबसे पहले हमने शक्करकंदी जो है स्वीट पोटैटो वो डाल दी है, आप जैसे मर्जी मिक्स कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि पहले आप स्वीट पोटैटो डालें या केले डालें, ऐसे अपनी मर्जी से आप जैसे मर्जी कर सकते हैं। और साथ ही हम इसमें केले डालेंगे, बहुत ही हेल्दी होती है ये, मौसम हो और चाट ना बने ऐसा तो हो ही नहीं सकता। आप इसको बेशक रमजान में बना के खाएं, जो आपके पास अवेलेबल जरूर खाया करें, अपने बच्चों को खिलाया करें। अब हम इसमें सेब ऐड करेंगे, अब हम इसमें अमरूद ऐड करेंगे, प्री कटिंग किया हुआ आप जैसे मर्जी कट कर सकते हैं इसको। अब हम इसमें अंगूर डालेंगे, अंगूर डाल दिए, अब हम इसमें अनार डालेंगे, अब हम इसमें कीवी डालेंगे, अच्छा तो सारे फ्रूट्स हमने ऐड कर दिए। अब हम इसमें डालेंगे चाट मसाला, उसमें ज़रूरत आप डाल सकते हैं इसमें आपको जितना पसंद हो, लेकिन मशा यही है कि आप ज़्यादा मत खाया करें ताकि जो फ्रूट्स के साथ इतने मसाले अच्छे नहीं लगते, क्योंकि पानी अगर मिर्च लग जाए तो पानी पीना पड़ता है और फ्रूट के साथ पानी नहीं पीना चाहिए। और इधर हम थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे। अच्छा जो चटनी है उसमें भी काली मिर्च का पाउडर, चीनी और नमक ऐड है, आप देख के ध्यान से अपनी जो क्वांटिटी के हिसाब से कि आपके उसमें चीनी कितनी है या बाकी चीज़ें सब कितनी है उस हिसाब से आप इसमें ऐड कीजिएगा। अब हम इसको चाट को मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से, कि इसके मसाले जो हैं वो सब ऐड हो जाए अच्छी तरह से। ये मिक्सिंग हमारी फाइनल हो चुकी है, अब हम इसमें इसके जो है ना टॉपिंग और करेंगे। अब हम लेंगे किशमिश, जो एक बाउल में हमने डाल के रखी हुई किशमिश वो लेंगे, वो ऐड करेंगे, अगर आपको किशमिश नहीं पसंद तो आप स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन इसका टेस्ट बहुत ही मज़े का आता है, और स्वीट पोटैटो हो तो क्यों ना उसका फ़ायदा उठाया जाए, तो उसकी तो चाट हर तरह ही मज़े की लगती है। चलिए जब हम इसकी आपको फाइनल लुक दिखाएंगे वो किस तरह, सबसे पहले हम इसमें डालेंगे अपनी चटनी मिट्टी, इसको मिक्स करेंगे, मिक्स करने के बाद मैं इसको इसकी आपको फाइनल लुक दिखाऊंगी।
जी हमारी जो आप देख सकते हैं कि जो फ्रूट चाट है वो बिल्कुल रेडी है। उसकी गार्निशिंग कितनी खूबसूरत की है, इसकी टॉपिंग कितनी प्यारी है। यकीन माने कि बहुत ही हेल्दी होती है, आप इसको किसी भी मौसम में इंजॉय कर सकते हैं। फल अल्लाह ने कुदरती चीज़ बनाई है, इसमें कुदरती जो है वो गुजाइत है और एनर्जी है। आप इसको ज़रूर बना के खाया करें। इस तरह मिक्स फ्रूट्स मिल जाते हैं तो एनर्जी ज़्यादा हो जाती है और मज़ा भी बहुत ज़्यादा आता है इसका। आप चाहे इसको रमजान में बना के खाएं, बच्चों को खिलाएं, जैसे मर्जी आप दिल करता है खाएं। बहुत ही हेल्दी डिश है। अगर आपको मेरी ये फ्रूट चाट पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी लुक जो फ्रूट चाट की लुक और इसका बनाने का तरीका कैसा लगा है। अपनी दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नए रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।